हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और अनबॉक्सिंग है फ्लिपकार्ट से जो मैंने मंगवाया हुआ है। ये है वंडर सेफ का मल्टीपर्पज कटर। फ्रेंड्स, किचन में हमेशा ज़रूरत होती है बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए। हमें कभी विस्क करना पड़ता है, कभी चॉप करना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास पहले था, कटर था, लेकिन जो ऐसे इलास्टिक की तरह से होता है उसको खींच के करते हैं, वैसा वाला था जो मैंने 250 का मंगवाया था, लेकिन वो ख़राब होने की वजह से, टूट जाने की वजह से मुझे दूसरा मंगवाना पड़ा, जिसकी वजह से मैं ये वंडर सेफ का इस बार मंगवाई हूँ। और इसकी अनबॉक्सिंग जो है मैं आप सभी के सामने कर रही हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि इसको आप लें तो पहले आप इसको देख सकें अच्छे से कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें बॉक्स के अंदर मिल रही हैं और इसकी प्राइस क्या है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को इसी पर्पस से बनाया है। और अगर आप लेना चाहेंगे तो मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये देखिए, MRP 2000 की है, लेकिन इसकी प्राइस जो मुझे पड़ी थी वो 999 की पड़ी थी। ऑफ़र प्राइस था फ्रेंड्स और फ्लिपकार्ट पे उस टाइम, तो ऑफ़र प्राइस में ये मुझे 999 का पड़ा था, मतलब 1000 का ये प्रोडक्ट मुझे पड़ा था। तो अगर आप लेना चाहेंगे तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आप सभी को दे दूँगी। आप उस लिंक से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये कुछ पेपर्स दिए हुए हैं और जिसमें सारी चीज़ें वंडर सेफ की जो जो चीज़ें इन्होंने निकाली है वो सारे प्रोडक्ट के बारे में इन्होंने दिखाया है और बताया है। और इस तरह से एक ये वारंटी कार्ड है, बट वारंटी कार्ड पे कुछ भी आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि इसका जो बिल है बस वही हमें सेव करके रखना होता है। इसका बिल अगर सेव रहेगा तो आप इसको वारंटी को क्लेम कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये पहला जो है एक हमारा ये निकल रहा है बॉक्स, और ये है हमारा पहला जो एक मुझे कटर की तरह से दिख रहा है राउंड शेप में। ये देखिए, इसे ओपन करते हैं हम। और ये देखिए, ये हैंडल अलग से दिया हुआ है। ये है हैंडल जो हम लगाएंगे जब हम काम करेंगे चॉपिंग का, तो राउंड शेप में यहाँ पे ये है हैंडल। और ये जो चॉपर है फ्रेंड्स, ये सैलेड के लिए यूज किया जाता है जो आपको ऊपर में दिख रहा है, और ये बिल्कुल स्टिक है इसमें। अभी निकालने की कोशिश करते हैं इसे। ये नीचे देखिए दिए हुए हैं 2 आइटम्स, और अभी उसको मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ और देखती हूँ कि निकलता है कि नहीं। निकल गया, थोड़ा सा पुश करके खींचना पड़ेगा तब जाके ये निकल जाएगा। ये जो अगली चीज़ दी गई है फ्रेंड्स, ये है विस्किंग, जिससे कि आप जैसे कि अंडे को अगर फेंटना है, दही को फेंटना है, तो आप इसके थ्रू फेंट सकते हैं किसी भी फेंटने वाली चीज़ को। और ये है हमारा मेन टूल जिसके थ्रू हम अपनी कटिंग करेंगे, जो भी अनियंस हैं और जो भी टोमेटोज हैं, हर चीज़ इसमें हम जो है वो चॉप कर सकते हैं, बहुत बारीक बारीक हो जाता है। और अभी तो मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन जब यूज करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी इसका रिजल्ट कि वाकई में ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फ़िलहाल तो ऐसा ही दिखाया गया कि काफ़ी अच्छा चॉप करता है। तो ये हैं इसके सारे प्रोडक्ट फ्रेंड्स, और इसको लगा के देखते हैं कि ये चलता कैसा है। तो सबसे पहले इसको लगाते हैं, ये चॉपिंग वाला कटर है, और इसको लगाने के बाद इसको यूज करते हैं। हैंडल भी दिया है, हैंडल को भी लगा देते हैं, इसमें सेट कर लेते हैं, क्योंकि बिना हैंडल सेट किए ये जो है ये चल नहीं पाएगा हमारा ब्लेंडर, जार, जो भी आप कह लीजिए, तो कटर। तो ये देखिए, ये हैंडल भी लगा लिया हमने, और ये ऊपर जो है इसका ढक्कन भी हमने लगा लिया। वो ये ऊपर से, ये एक आपका साइड हैंडल है और ये ऊपर वाला हैंडल जिससे आप मिक्स करेंगे। और यहाँ से इन्होंने एक स्पेस दिया हुआ है जिसके अंदर आप प्याज या टमाटर डाल के, और फिर यहाँ से आप जब चलाएंगे
तो ये नीचे कटिंग देखिए, ब्लेड चल रहा है, ये देखिए कितने अच्छे से ब्लेड चल रहा है, तो वो आपकी कटिंग हो जाएगी। ये देखिए ब्लेड कितनी अच्छी तरह से चल रहा है, तो ये ब्लेड काफ़ी अच्छा है। और इसका भी इस्तेमाल ऐसे ही करना है, इसको यहाँ पे लगाना है, ये मैं उल्टा लगा रही हूँ, मेरे ख्याल से इसको ऐसे लगाना है क्योंकि फिट नहीं हो रहा है उस तरह से, तो ये ऐसे ही फिट होगा। और फिट करने के बाद ये देखिए ये कुछ ऐसे चल रहा है, तो इसमें हम राउंड शेप में जो हम सैलेड के लिए कटिंग करते हैं, गोल गोल खीरे की कटिंग करते हैं, वो कटिंग हो जाएगी। गोल गोल प्याज की कटिंग करना चाहते हैं वो हो जाएगी। और अगर हम चाहते हैं कि आलू के चिप्स जैसी कटिंग हो तो वो भी इसमें आराम से हो जाएगी। तो बहुत अच्छी तरीके से ये राउंड शेप में कटिंग करता है आपके सैलेड के लिए। और इसकी अगर एक बड़ी ब्लेड निकाल दें तो ये आपके मैंने इसका पढ़ा है कि इसमें आप कद्दूकस गाजर का करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारा मैं यूज करूँगी और फिर उसके बाद एक बार और आप सभी को बताऊँगी कि कौन सी चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं दोस्त, ये देखिए। और प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा मुझे और क्वालिटी भी अच्छी है, नो डाउट। बहुत जो हम लोग 250-200 के लेते हैं उससे काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। अब कितने दिन चलता है ये देखते हैं। तो चलिए ये इसकी अनबॉक्सिंग हमने करके देख ली कि प्रोडक्ट कैसा है। तो अगली बार फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।